अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए केबीसी ऑफिशियल ऐप। जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। इस बार तो रास्ता काटा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। यदि आप हमारा सर काटना ही चाहते हैं तो फिर कम से कम हमारे सर को उस बाघ के लिए प्रलोभन बनाकर उसे मारे। ए छोरे, नहीं चाहिए तेरी सहायता, ना जीते जी और ना तेरे मरने के बाद। अच्छा, पर इतने दिन से क्या हुआ था? पकड़ क्यों नहीं पाए उस नरबख्शी बाघ को आप? क्यों तब से हर रात उस बाघ के शिकार के लिए जंगल में भटकते रहते हैं आप सब? कैसे सरदार हो आप? बाघ के निकट जाने से डर लगता है क्या? खोल दे इसको। तलवार दे इसको। सरदार,
लगता है अब जाकर हम एक दूसरे को भली भांति जान पा रहे हैं। विश्वास करो कि जंगल में जो आपका राज है उसे चुनौती देने की हमारी कोई रुचि नहीं है, परंतु ये समय की मांग है कि फिर से वो नरबक्षी बाघ किसी भोले भाले नागरिक को अपना शिकार बनाए। उससे पहले हम सबको मिलकर उसका शिकार कर देना चाहिए। ए छोरे, बाघ का शिकार करने के लिए हमें एक बच्चे की सहायता की जरूरत नहीं। भले ही बार बार हमें बच्चा कहते रहो, परंतु लड़ आप इस बच्चे से ही रहे हैं और अपना पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी इस बच्चे को अब तक हरा नहीं पाया। नरभक्षी बाघ फिर उठा के लेगा किसी को। क्या बहुत भाग्यशाली निकली है औरत। हाँ हाँ, इसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाएगा। कम से कम शव के सामने तो ऐसी बातें ना करे काका। बात ना करने से क्या होगा बाबूजी राजप्रताप? बाघ की दाढ़ में जो एक बार आदमी का खून लग जाए तो वो तो मारेगा ही। उस बाघ का ये शिकार अंतिम शिकार रहेगा काका, क्योंकि हमसे उसके शिकार में हर बार भूल नहीं होने वाली। हम मिलकर सरलता से उस नरभक्षी बाघ का शिकार कर सकते हैं। हमें अपनी और अपने जंगलों की रक्षा के लिए नहीं चाहिए कोई बाहरी लोग। मेरे लिए मेरी ये बकरी सब कुछ है बाऊजी राज, पर आज इसे मैं आपको दे रही हूँ। इसे बांध के मार दीजिए उस नरभक्षी बाघ को। बिल क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए बाऊजी राज, आप हमारे युवराज हैं। ये लीजिए, लीजिए इस बकरी को। बाऊजी राज प्रताप की जय। बाऊजी राज प्रताप की जय। प्रताप उठ गए? प्रताप आपके नित्यकर्म का समय हो गया है। अरे नहीं नहीं, मर गया तू, आज मर गया चक्रपाणि, अब तू पकड़ा गया। हे भगवान, हे प्रभु जी, अरे बाऊजी राज प्रताप कहाँ रह गए? Thank you.
प्रताप उठ जाइए। अब तक सो रहे हैं प्रताप? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? कुछ नहीं रानी माँ, हम ठीक है। ये क्या, आपके हाथ में खरोंच? कल तक तो नहीं थी वो रानी माँ। हम वो इस बकरी से आई नहीं है खरोंच महारानी सा। बकरी ये यहाँ क्या कर रही है? आ, वो रानी माँ आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं प्रताप। आशा ही करते हैं कि आप हमें बिना बताए भागे नहीं होंगे इस कक्ष से। बाहर कक्ष के बाहर ये संभव ही नहीं हो सकता महाराणी सा, क्योंकि आपने द्वार पे तो ताला लगा दिया था, तो फिर बाजीराज बाहर कैसे जाएंगे? रानी माँ, क्या अब हम अपने प्रातःकालीन नित्यकर्मा और वंदना के लिए तालाब जा सकते हैं? किंतु स्मरण रहे, आपको नित्यकर्म करने में कितना समय लगता है इसका अनुमान है हमें। यदि अधिक समय लगा तो हम स्वयं वहां आ जाएंगे। हम अधिक समय लगाएंगे नहीं रानी माँ। बावजराज, बाघ मर गया? नहीं, परंतु आज अवश्य मरेगा। हमें क्या बच्चा समझ लिया है बावजराज? रानी सबको बाहर जाने भी देगी क्या? हम आज रात बाहर जाने की आज्ञा रानी माँ से लेंगे ही नहीं। बावजराज, हमने किसी को भी आप जैसे अपने माँ का आज्ञाकारी नहीं देखा, जो अपनी रानी साहब की हर बात मानता है। महारानी साहब ने बोला कि आप महल और किला छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, फिर वही आप इस बाघ के शिकार में कैसे अपनी रानी माँ की अवज्ञा कर रहे हैं? वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। वो इसीलिए क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो तलहटी की कितनी माओं को अपने बच्चों को खोना पड़ेगा, न जाने कितने बच्चों को अपनी माँ है। हमारी रानी माँ ने ही हमें शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी कर्तव्य निभाने का समय आए तो सभी औपचारिक नियमों को भुला कर एकनिष्ठ उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। और ये बकरी, इसको आप बाघ का चारा बना देंगे ना? नहीं, उस नरभक्षी बाघ को आकर्षित करने के लिए शिकार तो बांधना ही पड़ेगा, किंतु इस बार ये बकरी उसका शिकार नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये बकरी उस बूढ़ी माँ का मात्र एक सहारा है और दूसरा वो बाघ कब से नरभक्षी हो चुका है। जब तक उसके सामने कोई मानव नहीं देंगे तब तक वे आकर्षित क्यों होगा? तो फिर हम मानव कहाँ से लाएंगे? हम है ना मानव, हम बनेंगे उस नरभक्षी बाघ को लुभाने का शिकार। नहीं नहीं बावजराज, आप ऐसे नहीं कर सकते। घबराइए मत शेखर पानी, हम अपने प्राण देने के लिए उसका शिकार नहीं बन रहे। हम उसका शिकार इसीलिए बन रहे हैं ताकि वे हमारे सामने आ जाए। ठहरिए, हम कुछ समझे नहीं। यदि आप बाघ के लिए चुग्गा बन के काया और मेमनों की तरह पेड़ से बन गए तो फिर बाघ का शिकार कौन करेगा? भील करेंगे शिकार। बावजराज, वे जितने बाघ के रक्त के लिए पैसे नहीं होंगे उससे अधिक आपके रक्त के लिए पैसे होंगे। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चक्रपाणि, हमें भीलों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हम सब एक होकर ही शत्रु का नाश कर सकते हैं। हम जानते हैं चक्रपाणि, ये वनवासी भील हमें शत्रु समझते हैं, परंतु हमें उन लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि सुनो भील बंधु, कभी कभी अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने शत्रु से हाथ मिलाने में कोई हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। और यदि भीलों ने आपकी बात ना मानी तो? तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए राजपूत प्रसिद्ध है। हम
अकेले जंगल जाए। जब राजपूत अपने शत्रु का नाश करने का निश्चय कर लेता है तो फिर वे हर मूल्य पर वही करता है जो भी है। परंतु इतना तो निश्चित है चक्रपाणि कि आज रात हम दोनों में से एक ही जीवित है, या तो हम या फिर वो नरभक्ष। हम आपकी परंपरा समझ सकते हैं कि कभी भी कबीले के भारी वाले व्यक्ति को वहां पर मत लेकर जाओ जहां पर भील कबीला रहता है, पर यह भी संभव है कि वहां तक पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। यदि आप हमारे आंख और हाथ खोल देंगे तो फिर हम शीघ्रता से वहां पर पहुंच सकते हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इससे आपके कबीले की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना काका। ठीक है, तो फिर हम आपके सरदार से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हमें लाने के लिए कोई ऐसे वीर भेजे जो बोल सकते हैं। अगला अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें लड़के, इसे बंधन मुक्त कर दो। भाग्यशाली हो तुम कि हमारे जंगल के बीचों बीच खड़े हो और वो भी अभी तक जीवित। बोलो क्या चाहते हो? हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हम सभी मिलकर उस बाघ को मारने का प्रयास करें। बस एक बार वो नरभक्षी बाघ को मारने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, फिर हम कभी अवांछित रूप से आपके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करेंगे। हम तुम जैसे राजसी लोगों को भली भांति जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मीठी मीठी बातें करके तुम किसी को भी दबा सकते हो? सत्य आप भी जानते हैं, यदि हमें आप लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाना होता तो फिर हम अपने प्राण संकट में डालकर यूं आप लोगों के सामने साधारण बंदी बनकर क्यों आते? हम अफगान और मुगल जैसे आक्रमणकारी नहीं हैं, हम राजपूत हैं। राजपूत आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे, हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है, और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, ना कि मेवाड़ के राज परिवार का। हमें इसी समय उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हम इस कार्य के लिए जितना समय लगाएंगे उतना वो बाघ अपने शिकार बढ़ाते जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें कृपया करके हमें अपना निर्णय बताएं। इसको देखकर इसके परदादा बप्पा रावत की याद आ रही है, सारे के सारे वही गुण दिख रहे हैं इस बच्चे में। ये सच है, अगर बाघ को पकड़ने में हम तुम्हारी सहायता करें तो बाघ को पकड़ कर मारना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस जंगल को हमसे भली भांति और कोई नहीं जानता। तो फिर इसका अर्थ हम ये समझे कि आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि मेवाड़ी महलों में रहने वाले राजसी लोगों में और पीढ़ियों से इस जंगल में जान हथेली पर लेकर चलने वाले भीलों में कभी मेल नहीं हो सकता। तो यदि आपका ये अंतिम निर्णय है, कोई बात नहीं, हम स्वयं अकेले जाएंगे जंगल उस बाघ का शिकार कर। बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए KBC ऑफिशियल ऐप।